छठे चरण का चुनाव जो कि अब दिल्ली में है और चुनाव से महज चंद घंटे पहले आपको वायरल हुई सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो हिंदू पंडितों की हैं, बाकायदा महामंडलेश्वर की हैं, सरस्वती महाराज की हैं, युवराज जी की हैं। तो कई सारे ऐसी वीडियोस हैं जो लगातार उन वीडियोस में आपके सामने भी पहले आई होंगी, और अगर नहीं आई तो आप एक एक करके उन वीडियोस को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जरा गौर से देखिए। और वोट डालने से पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले जरा ध्यान से तवज्जे से इन वीडियो को सुन करके फैसला तो कीजिएगा कि वोट कहाँ जाना चाहिए, जहाँ इन तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने, पंडितों ने, महामंडलेश्वर, सरस्वती महाराज और सभी ने एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुणगान किया है, उन वीडियोस को जरा आप भी गौर से सुनिए। सेना की शहादत पे माननीय मोदी जी वोट मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये शर्म की बात है। क्या आपने 5 साल कुछ नहीं किए? आपने GST लगाई तो उसमें वोट मांगो ना, आपने नोटबंदी किया तो उसमें वोट मांगे ना, आपने 3 तलाक किए तो उसमें वोट मांगे ना, अरे जो किया उसमें वोट मांगे ना। आप सेना की शहादत में वोट मांग रहे हैं। ये धर्म विरोधी सरकार है, मोदी सरकार धर्म विरोधी है। पता चला है कि ये जो है ना मुखोटा जो है हिंदू धर्म का लगाते हैं, सनातन धर्म का लगाते हैं, सनातन धर्म का लगाते हैं, संत समाज का लगाते हैं, पर ये कट्टर हिंदू विरोधी है। इसलिए पूरा संत समाज मैदान में आ गया है और सभी का कहना है राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। अच्छा, कांग्रेस से अपना कैंडिडेट भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया है। टोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है, आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं, उनकी नीतियों से परेशान होकर के। वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशीवासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे, उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। 1000 लोगों को वो एफिडेविट पढ़ा लिया जाए, अगर एक भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये जो लिखा गया है सबके लिए नहीं लिखा गया है, केवल एक के लिए लिखा गया है, तो हम मान लें। जब तिरछा करके कॉलम में लंबी लाइन खींच करके एक वाक्य लिख दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग अलग हर कॉलम में सामने लिखना चाहिए था, इसीलिए आपका पर्चा खारिज हो जा रहा है। ये कौन सा ऐसे कौन सा वो है? ये कौन सी हमारी कमी है बताए हो? ये बात हमारे लॉयर ने बताया कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरा पर्चा सही भरा है, उनके सामने भी जा करके दे दिया गया है, दोबारा भी उन्होंने बुलाया, फोन करके जा करके बता दिया गया है, तो उसके बावजूद हमारा पर्चा खारिज कर दे रहा है ये कागज निकाल करके कि आपके तकनीकी खामी है। भाई तानाशाही है, नहीं चाहते है कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ी ना सके, इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी अधिकारी से मिलने कहा दिया जा रहा है, पुलिस आकर के रोक दे रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी हैं, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है, हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं, इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। ठान लेती है जो पाकिस्तान का विरोध करता, हालांकि ये बात केवल हमारे देश में, हम विदेश में जाते हैं पाकिस्तानी मिलते बड़े प्रेम से मिलते हैं, हिंदुस्तानी मिलते हैं उनसे प्रेम से मिलते हैं, तो इसके अंतर्गत में क्या इन्होंने विचार किया ये कार्ड खेला जाए, नहीं तो ये हार जाएंगे। तो इन्होंने इमरान खान से कहा हम दोनों लड़ते हैं, वहां की जनता तुम्हें परमानेंट
प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बना देगी। और दूसरा क्या है कि उन्होंने इनसे कहा चिंता ना करो, तो इनकी फिक्सिंग हुई। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो मध्य प्रदेश से थे उन्होंने आतंकवादियों से गठजोड़ किया जो पकड़े भी गए हैं। उसके पश्चात में क्या 350 RDX की व्यवस्था की बीजेपी के द्वारा। उसके बाद मोदी और जो कि शाह और दूसरा समित पात्रा, जो ये समित पात्रा क्या नाम है ये, तो इनका जो कि पूरी सेटिंग थी, समित पात्रा ने पूरा जो कि सिस्टम बिठाला। और उसके पश्चात में इन्होंने ये विस्फोट कराया 4-5 सैनिकों को मारने के लिए, क्योंकि सैनिकों की पहले वहां से चौकी हटा दी गई, ये समझने की बात है। फिर सेना को जब वो आभास हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हमें हवाई जहाज द्वारा भेजे, तो वो भी नहीं भेजा गया। तो अच्छा, दूसरा आतंकवादियों को इतनी गुप्त सूचना कैसे आ गई कि इतने सैनिक वहाँ होके जा रहे हैं। दूसरा, एक 4 शराब की बोतल लेके जाओ उसे भी सरकार पकड़ लेती है, और वो तो जम्मू कश्मीर का विषय तो बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी सब सिस्टम बना करके फिक्सिंग करके और वहाँ विस्फोट कराया, जिसमें 4-5 की जगह पर 45-50 चूँकि हमारे फौजी जो कि शहीद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब मोदी जी और शाह जी और समित पात्रा, मैं पूरे बीजेपी के लोग नहीं है इसमें, पूरे जो कि राजनेता नहीं है, मतलब ये लोग जिनको जो कि विशेष लाभ लेना था, तो इन्होंने अपना जो कि राजनीतिक मामला किया और उसके पर विस्फोट कराया। देश के अंतर्गत में राम जन्मभूमि को भूल गए, गौ माता को भूल गए, संतों को भूल गए, 15-15 लाख रुपयों को भूल गए, नोटबंदी को भूल गए, काले धन को भूल गए, जो काले धन के लिए वायदा किया विदेश से 1 रुपया भी काला धन नहीं ला पाए, उनको सबको भूल गए। और उसके बाद में इन्होंने झूठा जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो कि अटैक किया, 300 की बात कहते हैं, मैं कहता हूँ 3 व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं मरे, क्योंकि इस बात को मैं ज़्यादा नहीं कह सकता पर मैं कह रहा हूँ। और फौज हमारी बहुत अच्छी है, फौज के साथ इन्होंने गद्दारी की है, फौज को मिसयूज किया है, और फौज की कोई कमी नहीं है, अभिनंदन को इन्होंने मिसयूज किया है, मैं इस बात को कह रहा हूँ, पर सब फिक्सिंग के तहत हुआ है जिससे कि ये चुनावी मुद्दा जीत सके। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सारी जो जितनी भी चीजें हो रही है वो पीएम मोदी ने करवाया है? आपने पीएम मोदी के लिए कहा कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ यदि पीएम मोदी का, शाह का और समित पात्रा का यदि हो जाए नार्को टेस्ट, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि किसी कारण से ये गलत सूचना मिलती है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, और नहीं तो मैं कहता हूँ तीनों को दंड का अधिकारी होना चाहिए। ये जो कि देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, फौज के साथ गद्दारी, फौज के भोजन। पुलवामा हमले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उसी तरह से पूर्व ब्रिगेडियर की एक वीडियो वायरल हुई थी जो मैं आपको चुनाव से एक दिन पहले आज यकीनी तौर पर दिखाना चाहूंगा। 3 मिनट 30 सेकंड की वो वीडियो है और एक हिंदू पंडित की वीडियो है, जरा उसको भी गौर से सुनिए। 4 मिनट 30 सेकंड की है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर और खुद संबित पात्रा पर खुले तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जो देशभक्ति का चोला पहने हुए लोग हैं, एक बार जरा इनका DNA तो करके देखिए कि इनके अंदर देशभक्ति की भावना कितनी निकलेगी और कितनी नहीं निकलेगी। एक बार इन दोनों वीडियोस को गौर से देखिए। ओम जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आज ये 3 मिनट का वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आपने शेयर किया, आप समझ लो आपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाया। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, मुझे विश्वास नहीं है कि फिर से वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगा और नरेंद्र मोदी को वोट देगा। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं ये 3 मिनट का 4 मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा, बस 3 मिनट का वीडियो होगा, 4 मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट, मोदी का DNA। मोदी का DNA क्या है? क्या मोदी कुछ कर सकते हैं, मोदी देश के लिए करेंगे या कर पाएंगे? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि ये 4 ऐतिहासिक बातें अगर आप जान लेंगे तो कभी भी कोई, जो भी जानेगा, जो भी देखेगा, वो कभी मोदी को नहीं करेगा। नंबर 1, डचों, पुर्तगालियों, मुगलों और अंग्रेजों सहित जितने भी विदेशी लुटेरे भारत आए, सभी गुजरात के रास्ते से आए और गुजरातियों ने शरण दी और देश की गुलामी में लुटेरों का साथ दिया। ये ट्रू है, सत्य है, ऐतिहासिक बात है, हजारों साल का इतिहास आप देख लीजिए, यही मिलेगा। दूसरा पॉइंट, 1947 के पहले देश को आजाद कराने में 7.5 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों ने
अपनी बलि दी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानियां दी, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए, उन शहीद क्रांतिकारियों में एक भी गुजराती नहीं था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखूंगा, 1947 से लेकर के आज तक, 1947 से लेकर के आज तक भारत की सीमाओं पर देश की रक्षा करने करते हुए एक भी शहीद, आप एक भी शहीद का जनाजा आप गुजरात जाते हुए नहीं देखा होगा। यानी कोई भी गुजराती सेना में नहीं जाता, या सही जाएगा नहीं तो शहीद कहां से होगा। यानी हमारी रक्षा में भी उनका कोई हाथ नहीं है आज के दिन भी। और चौथा सबसे बड़ा घातक पॉइंट मोदी का डीएनए समझने के लिए, और यह बात मोदी ने स्वीकार किया है कि मोदी ने अमेरिका जाकर यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। एक व्यापारी कभी शासक नहीं हो सकता, एक व्यापारी कभी प्रजा के बारे में नहीं सोच सकता, यह आपको मानकर चलना होगा। तो चौथा अंतिम जो मोदी के डीएनए के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि भारत में आजादी के बाद से आज तक जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड घोटाले हुए हैं, लूट हुई है, बैंकों से चोरियां हुई है, लूट हुई है, वो सब के सब गुजरातियों ने किया है। मेहता से लेकर के मोदी तक सारे कांड, सारी लूट गुजरातियों ने की है। अगर इस वीडियो को आप आम आदमी तक पहुंचा देंगे, मैं वादा करता हूं फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर से कोई नरेंद्र मोदी को, जिस जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये बात जानेगा, क्योंकि जो भी ये बात सुनेगा, जिसके कान में ये बात जाएगी, वो इसको परखने की कोशिश करेगा, इतिहास में जानने की कोशिश करेगा, और इतिहास की सत्यता जानने के बाद नरेंद्र मोदी को कभी वोट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी गैंग को कभी वोट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी के पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, आप अपना राष्ट्र धर्म निभा लेंगे। आपसे विनती है, प्रार्थना है, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम। ब्रिगेडियर साहब, अभी पुलवामा की बहुत चर्चा पूरे देश में, पुलवामा से अभिनंदन हमारे वापस आए हैं, तो पूरा देश में जो है एक देशभक्ति की भावना बहती चली जा रही है। लेकिन इसी भावना के बीच में कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अटैक हुआ था ये प्रायोजित था, इसमें कुछ सत्ता से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये प्रायोजित हुआ है। और उसका प्रायोजित होने का ये कारण कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसके परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटाई गई है, ऐसा लोगों का संदेह। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और देश के देशवासियों को समझना चाहिए कि ये पुलवामा अभी क्यों हुआ, क्या ये हुआ है या इसको करवाया गया है। क्योंकि आज भारत सरकार के पास, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये चाहते हैं कि पूरे देशवासियों के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें ताकि ये अपना 2019 का चुनाव निकाल सके। उड़ी में क्या हुआ था, उड़ी स्ट्राइक कर, उड़ी में हमारा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम में आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया। अभी आप 42 जवानों की शहादत के बाद उनकी चिता के ऊपर आप चुनावी चाल चल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक सैनिक हूं और सैनिक के साथ एक सच्चा देश का नागरिक हो, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार से, राज्य मंत्री से, प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी आप 14 तारीख के बाद की बात क्यों कर रहे हैं, आप 14 तारीख 14 फरवरी के पहले की बात क्यों नहीं करते, कहां आपकी सुरक्षा से चूक हुई, कहां आपकी इंटेलिजेंस फेल हुई। आप हमारे जवानों की शहादत दिलवा रहे हैं, अगले दिन आप चुनाव रैली कर रहे हैं, आप सिर्फ चुनाव, आपको सत्ता में रहना है। अरे सत्ता में रहना
अच्छा काम करके आप देश की जनता का दिल जीतिए। आप सेना का राजनीति न करना मत करिए, उनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है। जब आप जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो एक परिंदा भी पर्दी मारता है और आपने 42 जवानों की शहादत दिलवा दी। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का शतरंज खेलना है। जब हमारी सरकार आएगी मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप देश को बताइए कि हमारे 42 शहीद कैसे शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, किसके कारण शहीद हुए। आप अपने गृह मंत्री से पूछिए, सीआरपीएफ उनके अंतर्गत काम करती है, सीआरपीएफ ने जहाजों की मांग करी थी तो गृह मंत्री ने क्यों उसको रिफ्यूज किया, आप पूछिए। क्यों नहीं गृह मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं और आप मीडिया के थ्रू प्रचार करवा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने क्या किया? आपने जवानों की चिता जलवाई है और चिता के ऊपर आप सबका की होली खेलना चाह रहे हैं। ये थे ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं और हमें इन पर गर्व है।